यशस्वी एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो कंपनी हमने सिलेक्ट किया है उसका नाम है HFCL लिमिटेड। HFCL दोस्तों, आप जैसे कि देख रहे हैं, इसका बेसिक जो कारोबार है टेलीकॉम सेक्टर में है, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क केबल्स है इसके, आप देख रहे होंगे। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इसका कारोबार है, नेटवर्क इक्विपमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इनका कारोबार है। तो सिक्योरिटी, ये सभी इसमें जो जो आपको दिख रहे हैं वो सभी चीज़ों में इनका कारोबार है, इनके प्रोडक्ट्स है दोस्तों। तो ये कंपनी लगभग 3 दशक से काम करते आ रही है, और बेसिक जो फोकस है इनका, मेन जो मैन्युफैक्चरिंग है वो स्पेशलाइज्ड टेलीकॉम इक्विपमेंट, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स एंड इंटेलिजेंट पावर सिस्टम है। ये टेलीकॉम सॉल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में ही ये कंपनी का नाम आगे आता है। उसके अलावा भी कई और प्रोजेक्ट्स इसके चलते हैं, लेकिन बेसिक जो है इसका जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर फोकस है दोस्तों। तो ये कंपनी का CDMA, GSM नेटवर्क, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वायरलेस स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट एंड DWDM ऑप्टिकल ट्रांसमिशन नेटवर्क, के सभी में कारोबार होता है दोस्तों। तो ये है HFCL दोस्तों, इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे, फाइनेंशियल के बारे में पूरा चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। दोस्तों, अगर डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको ये सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको ये पहला एंजल ब्रोकिंग का लिंक मिलेगा। ये लिंक है एंजल ब्रोकिंग का, इसको क्लिक कीजिए और डिटेल फिलअप कीजिए। दूसरा लिंक है आपको ये आप स्टॉक्स का लिंक मिलेगा, इसको क्लिक करके डिटेल फिलअप करेंगे। काफ़ी बेस्ट ऑफर है एंजल ब्रोकिंग में, फ्री डीमैट अकाउंट के साथ 0 ब्रोकरेज है 1 मंथ के लिए। आप स्टॉक्स में बहुत सारा ऑफर्स है, फ्री डीमैट अकाउंट ऑफर चल रहा है और काफ़ी सारे ऑफर्स है। जीरोधा थर्ड ये ऑप्शन है आपके पास, सबसे लार्जेस्ट ब्रोकर है आज के डेट में जीरोधा, और जीरोधा का लिंक यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं दोस्तों। अब चलते कंपनी के फाइनेंशियल के ऊपर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये कंपनी लगभग 4000 करोड़ का मार्केट कैप है आज के डेट में, आप देख सकते हैं ये 4000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, और इसका करंट मार्केट प्राइस जो है 31.90 है, और 52 वीक हाई है 34.80 एंड 52 वीक लो है 8.10 दोस्तों। स्टॉक पी है 23.9 का, बुक वैल्यू कंपनी का 13.6 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE ये है 21.4 का, एंड ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 15.3% का है दोस्तों, फेस वैल्यू 1 रुपये का है। और मेन पैरामीटर है डेप्ट टू इक्विटी, डेप्ट टू इक्विटी 0.47 है, तो काफ़ी अच्छा है डेप्ट टू इक्विटी। तो ये हो गया अपना इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। ये प्लेज परसेंटेज यहाँ पे प्रमोटर प्लेज है 47.3%, ये थोड़ा नेगेटिव फैक्टर होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। इसका बेसिक अभी जो रिजल्ट देखेंगे आप, दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया दोस्तों, तो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट्स को आप कंपेयर कीजिए सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट के सामने, तो आपको देखिए जंप दिख रहा है यहाँ पे 20% 22% के आसपास रिवेन्यू जंप दिख रहा है। इसको प्रीवियस ईयर क्वार्टर के साथ कंपेयर करेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त जंप यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। उसके साथ आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 80% ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ गया है, और प्रीवियस क्वार्टर को कंपेयर करेंगे तो यहाँ भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा हुआ है दोस्तों। इसके साथ नेट प्रॉफिट को भी आप कंपेयर करेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है दोस्तों, तो ये काफ़ी अच्छा साइन है। नेट प्रॉफिट प्रीवियस ईयर क्वार्टर को कंपेयर करने से डबल है ऑलमोस्ट। EPS भी कंटिन्यूस ग्रोइंग में है, आप देख सकते हैं EPS में कंटिन्यूस ग्रोइंग आ रहा है, तो ये एक अच्छा साइन है। ये क्वार्टरली रिजल्ट का कंपैरिजन में, ये दिसंबर क्वार्टर पूरा पेंडेमिक सिचुएशन कंप्लीट, इसके बावजूद यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर अभी तक का बेस्ट क्वार्टर है लास्ट 2 साल में आप देखेंगे तो ये एक बहुत बढ़िया साइन है।
इस कंपनी में आगे मल्टीबैगर बनने की क्षमता दिख रही है दोस्तों। जिस तरीके से कंपनी ने इस सिचुएशन में रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं, तो ये स्टॉक आगे अच्छा दमदार रिटर्न दे सकता है। तो ये कंपनी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मूवमेंट दे चुका है दोस्तों इसने, तो आगे भी मूवमेंट देगा इसकी उम्मीद ज़रूर है। एनुअल इसमें TTM में देखेंगे तो TTM में आज के डेट में सेल्स टर्नओवर लगभग 3,695 करोड़ का है और प्रॉफिट नेट प्रॉफिट लगभग 160 करोड़ के आसपास है दोस्तों। इसका शेयर कैपिटल देखेंगे तो 128 करोड़ का है और रिजर्व कंपनी के देखेंगे तो 1,616 करोड़ है। रिजर्व भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, अब देखेंगे तो वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही रिजल्ट आपको इसको रिजर्व भी दिख रहे हैं और डेप्थ कंट्रोल में, डेप्थ में थोड़ी राइज जरूर है लेकिन कंट्रोल में है। डेप्थ 0.47% है तो अच्छा है, कोई इशू नहीं है, डेप्थ तो कंट्रोल में है और रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा है उस जैसे कि हमने बात की। प्रमोटर होल्डिंग लगभग 39.73% की है और जो जून क्वार्टर के कंपेयर में प्रमोटर होल्डिंग बढ़ी है जो 38.64% थी, तो यहाँ पे 1.12% की बढ़ोतरी लगभग यहाँ पे हुई है प्रमोटर शेयर होल्डिंग में, तो ये एक अच्छा साइन है। यहाँ पे FIH होल्डिंग और DIH होल्डिंग भी है और पब्लिक होल्डिंग 57.67% है। ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छा दिख रहे हैं और ये लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट्स बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे इस शेयर में बढ़ोतरी होने के चांसेस दिख रहे हैं दोस्तों। अब ये टेक्निकल चार्ट है, वीकली चार्ट है दोस्तों। टेक्निकली वीकली चार्ट आपको यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है, ये जो लेवल है इसका ये देख सकते हैं, ये हाई है इसका और ये साई को 36.65 को ये साई को ब्रेक करेगा, उसके बाद यहाँ पे एक और तेज मूवमेंट आएगी। मैंने ये वीकली चार्ट आपको दिखाया है और ये आगे मूवमेंट बढ़िया ज़बरदस्त मूवमेंट यहाँ से दे देगा। ऑलरेडी ये मूवमेंट आपने देखा है, ये 8 रुपीज़ से 35 रुपीज़, एक बहुत ज़बरदस्त रन अप इसने दिया है और यहाँ पे जब ये लेवल ब्रेक होगा इसको आपको वॉच करना है, ये लेवल ब्रेक होने से यहाँ पे एक और दमदार तेजी आने की उम्मीद है और उम्मीद इसलिए बरकरार है कि कंपनी ने जो परफॉर्मेंस दिया है वो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है और आगे कंटिन्यूशन में जारी रहेगा, इसका यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है दोस्तों। तो इसलिए HFCL एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकता है आने वाले 1 से 2 सालों में, तो HFCL को आप ध्यान में रखिए और इन लेवल के ऊपर ध्यान रखिए और इसमें आप एक बाइंग का इंटरेस्ट ले सकते हैं दोस्तों। आप अपना ओन स्टडी कीजिए और उसके बाद ही डिसीजन लीजिए दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, और कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों। ये डेली चार्ट है और डेली चार्ट में ये तेजी ये जारी है, ये कंटिन्यूस अप ट्रेंड जारी है दोस्तों। सो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को ये समाप्त करता हूँ, धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।